कलेक्टर ने बिना इस बात की चिंता किए हुए कि कार्यक्रम छोटे हैं या बड़े हैं, केवल उन कार्यक्रमों को चुना और किया है पिछले 7 वर्षों में जो जमीन पर वास्तविक समस्याओं के समाधान के प्रयास। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में PGI के भार्गव ऑडिटोरियम में नजरिया जो जीवन बदल दे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नवाचारी शिक्षक और नवोन्मेषक सोनम वांगचुक, लेखक और पूर्व IAS विवेक अत्रे, फिल्म निर्माता संजय राउतरे, लेक रिवाइवर कलेक्टिव के संस्थापक आनंद मलिगावद ने शिरकत की, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नई लीक बनाने के हौसले वाले अनुभवों को साझा किया। लेक रिवाइवर कलेक्टिव के संस्थापक आनंद मलिगावद ने बताया कि झील, गांव की मिट्टी और ग्रामीणों के साथ जीने से मिली समझ ने ही देश दुनिया में जाकर झीलों को नया जीवन देने की तकनीक बताने वाला बना दिया। आज देखिए मेरा को अगर ये पीले से लड़का को अगर पूरा दुनिया कराया वो क्रेडिट मेरे को वहीं नवाचारी शिक्षक और नवोन्मेषक सोनम वांगचुक ने अपने जीवन की यात्रा के उदाहरणों से मौजूदा शिक्षा नीति पर बेहद रोचक ढंग से तीखी चोट की। दिल्ली माँ अपने बच्चों को उसके जीवन की शिक्षा कैसे देती है? बिल्लियों क्या शिक्षा मिलनी चाहिए? चूहे पकड़ने की, वो तो अकाउंटेंसी को सीखेंगे नहीं, चूहे पकड़ने का उनका विद्या, बिल्ली माँ या मौसी कहते हैं, वो उन्हें सरा नहीं देती है कि स्पॉट द टारगेट टेक पोजीशन पाउंस, और फिर याद करवाएं स्पॉट द टारगेट टेक पोजीशन पाउंस, स्पॉट द टारगेट टेक पोजीशन पाउंस। अगर हमारी तरह बिल्लियां भी अपने बच्चों को शिक्षा देती तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एक भी चूहा हाथ नहीं लगता। फिल्म अंधाधुन के निर्माता संजय राउतरे ने भी अपने संघर्ष की कहानी लोगों से साझा की। इस बार अंधाधुन को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं श्रीराम राघवन, जिनके साथ मैंने पहले जॉनी के साथ बनाई थी और अभी अंधाधुन के डायरेक्टर हैं। उन्होंने 1989 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट ने फिल्म FTI वहाँ से पास किया। उन्होंने अपनी डिप्लोमा फिल्म बनाई जिसके एडिटर राजू हिरानी थे और उस डिप्लोमा फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। पर आपको मालूम है उनकी पहली फिल्म एक हसीना थी वो 2002 में रिलीज। तो अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूट टॉपर नेशनल अवार्ड वो करने के बाद भी उनको 13 साल लगे अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए। और जब भी आप एक सर्टेन सिस्टम में उसके अगेंस्ट में अगर आप जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान नहीं होती। कार्यक्रम में मौजूद लेखक और पूर्व IAS विवेक अत्रे ने भी अपने जीवन की धुरी अपने हाथ पर विचार व्यक्त किए। अब उनको चिट्ठी आती है कि मिस्टर आकर है आपके साथ ऐसा क्यों आपको हम इतना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, आप इतना इंस्पायर करते हो, आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आकर ऐसे उनको जवाब देते हैं बाय हैंड, उसका ईमेल नहीं था, टैक्स नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये जो दुश्मन है हमारी जेब में ये नहीं था। नजरिया जो जीवन बदल दे कार्यक्रम में पहुंचे दर्शकों के लिए शाम यादगार बन गई। बता दें कि इससे पहले 2018 में नजरिया कार्यक्रम आगरा और दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।